यार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से देखते हैं, समझते हैं। कमेंट्स करो जिसमें आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस पे वीडियो चाहिए, हम उस पे बनाने की पूरी पूरी अपनी कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं वायरल मार्कर। वायरल मार्कर में लोग कुछ लोग होते हैं फ्लैबोर्ड टेक्नीशियन वगैरह, तो कोई कोई पूछता है सर वायरल मार्कर में क्या क्या आएगा। वायर डॉक्टर लिख देते हैं वायरल मार्कर। पेशेंट्स वगैरह भी पूछते हैं कि वायरल मार्कर क्या है, वायरल मार्कर करना है, आपने ये क्या कर दिया। ऐसे कभी कभी आपके साथ भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वायरल मार्कर। यानी अब जब प्रिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर के पास गए, प्रिस्क्रिप्शन में आपने डॉक्टर को लिखा, डॉक्टर ने लिखा वायरल मार्कर, तो आप लैब वाले के पास जाते हैं तो उसमें वायरल मार्कर होता है। कभी कोई समझ नहीं पाता, जो न्यू होता है, नया होता है, या जिसको नॉलेज नहीं है तो वो वायरल मार्कर को समझ नहीं पाता कि क्या टेस्ट होना है क्या नहीं होना है। तो देखिए, जब भी आपका वायरल मार्कर हो तो वायरल मार्कर में आपके तीन टेस्ट आते हैं, जिसमें आपका आता है फर्स्ट ऑफ ऑल HIV, HBsAg और SCV। HIV तो आप लोग जानते ही हैं किसके लिए करते हैं, ठीक है, HIV। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। उसके बाद हमारा आता है SCV, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस। तो HIV तो आपको पता है, HIV का करते हैं इन्फेक्शन के लिए, जो भी आपका HIV पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है उसके लिए करते हैं हम। HIV से हम ग्रसित तो नहीं हो गए हैं, HIV हमें हो तो नहीं गया है, इसके लिए करते हैं। हेपेटाइटिस करते हैं, हेपेटाइटिस इसलिए करते हैं कि हेपेटाइटिस बी तो नहीं हो गया कहीं हमें, और हेपेटाइटिस सी करते हैं कि हेपेटाइटिस सी तो नहीं हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूजेस क्या है, क्यों करते हैं डॉक्टर, क्यों करवाते हैं ये टेस्ट, किस लिए होता है ये टेस्ट, ठीक है। तो वो डिस्कस हम आपके साथ अभी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब देखिए, डॉक्टर ये टेस्ट आपके तब करवाते हैं जब कभी उनको लगता है कि कुछ हो सकता है, तो HIV कुछ सिम्टम वगैरह उनको लगते हैं ऐसे, जैसे कि डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि हमें ये सिम्टम क्या है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और दो कंडीशंस और होती हैं, दो कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। दो कंडीशंस ये होती हैं कि मान लो अगर आपकी सर्जरी होने वाली हो, किसी कोई छोटी मोटी आपकी सर्जरी है, ऑपरेशन वगैरह है, बड़ा है छोटा है, किडनी लीवर हार्ट किसी का भी ऑपरेशन वगैरह अगर करना है, पथरी का किसी का भी करना है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम डॉक्टर आपको HIV, HBsAg, SCV टेस्ट जरूर ही लिखेंगे। अब लिखने को तो आपको BDRL भी लिख सकते हैं, CBC, ब्लड ग्रुप, LFT, KFT, लीवर सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये केसेस सबसे ज़्यादा जो केसेस ये होते हैं वो कब होते हैं, ये केसेस मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, एक तो मैंने बताई थी आपके ऑपरेशन होता है तब, दूसरी कंडीशन है प्रेग्नेंट लेडी। जैसे जो प्रेगनेंसी किसी को होती है तो उस टाइम भी डॉक्टर इस टेस्ट को जरूर ही कराते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को जरूर कराते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये किया जाता है ताकि हमें ये पता लग सके कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो उनको HIV, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी वगैरह तो नहीं है, ताकि बच्चे को ना हो जाए, इसलिए इस टेस्ट को करते हैं। अब देखिए, जिस टाइम अब मैंने दोनों चीज़ें आपको ऑप्शन बता दिया, दोनों के अलग अलग क्या क्या वो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ऑपरेशन के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि ये जानने के लिए कि ये ग्रसित है या नहीं है, इनको पॉजिटिव है या नहीं है, ताकि हमें ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अब क्या होता है, इसी में एक कंडीशन और है, जब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो पेशेंट डॉक्टर बोलते हैं 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग, इस इन टेस्टों को दोबारा फिर करते हैं। क्यों करते हैं, उसमें कंडीशंस ये होती है कि जब जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं कि ऑपरेशन डरनिंग, ऑपरेशन करते टाइम आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हुआ है हेपेटाइटिस या HIV वगैरह, तो उसके लिए भी करते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा कि किसी न्यूज में या किसी अखबार में कभी आता है
उसके पेट में कैंची रह गई, उसके पेट में ये रह गया, ऑपरेशन के दौरान कुछ रह गया, क्या रह गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं, और भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह और भी होता है। तो आज जो हम बात करते थे वायरल मार्कर की करते थे, तो वायरल मार्कर आप लोग आज अच्छी तरह से जान जाएंगे क्या होता है। अब दूसरी कंडीशन में हम चलते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्यों करते हैं? प्रेगनेंसी में जिस तरह से हमने आपको बताया है बच्चे के लिए करते हैं, ताकि आप अगर कोई माँ इस चीज़ से ग्रसित है तो बच्चे को एचआईवी अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, ये सारी चीज़ें, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको भी वैक्सीन्स वगैरह सारी लगती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो जानते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सारी वैक्सीन्स लगती हैं। अब देखिए इसको क्यों करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उस लेडी का ऑपरेशन भी हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, किसी को प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं। तो ऑपरेशन करते हैं तब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से मैंने पिछले में बताया कि ऑपरेशन वगैरह होता है, इसलिए भी इस टेस्ट को करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ वायरल मार्कर में क्या आएगा, एचआईवी, एचबीएसएचजी, एससीबी, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी आ जाती हैं, तीन टेस्ट आपके इसमें कंपलसरी हैं। अब चूंकि हम इसकी बात करें डॉक्टर लाल पैथलैब में, तो एचआईवी आपका 530 रुपीज़ का यानी 530 रुपये का है, एचबीएसएचजी 550 रुपये का यानी 550 का है, एचसीबी जो है वो आपका महंगा है 1600 यानी 1600 रुपये का है। अब मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर वायरल मार्कर लिखा हुआ है तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब देखो एक यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है, कन्फ्यूजन ये होती है, एक मार्कर होता है डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते लोग, वायरल मार्कर, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर। अगर वायरल है तो ये तीन टेस्ट आएंगे, अगर आपका डबल मार्कर तो डबल मार्कर अलग होता है, ट्रिपल मार्कर भी होता है, क्वाड्रुपल मार्कर भी होता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ही वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने आप लोगों को बताया, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, कमेंट्स में बताते रहिए सर हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, हम आपको वीडियो पेश करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।